नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने 16 फंदे का बनाया है, आप उसको और बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये दो कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है और ये मैंने 16 फंदे डाले हैं। 6 फंदे ये मैंने काले रंग से और 8 फंदे लाल रंग से और 2 फंदे हमने बॉर्डर के लिए काले रंग से डाले हैं। इसलिए अब हम पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से और ये एक फंदा हम बीन लेंगे, ये देखिए। और ये इस धागे को ऐसे करेंगे और यहाँ से ये लाल रंग के पूरे फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। ये देखिए, हम लाल रंग के फंदे पूरे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। ये देखिए, हमने पूरे फंदे लाल रंग के बीन लिए। अब ये हमारे पास 6 फंदे हैं काले रंग के, तो इन फंदों को भी हम ये धागे को ऐसे करेंगे और ऐसे करके उल्टा उल्टा बीन। ये देखिए इस तरह से, और 2 फंदे हम छोड़ देंगे। अब हम सीधी साइड में आ गए। ये देखिए, अब हम ये फंदे काले वाले काले रंग से बीनेंगे जितने हैं। ये देखिए, हमने बीन लिए और इस धागे को पीछे करेंगे इस तरह से, और लाल वाले को नीचे क्रॉस से लाएंगे। ये हमारा जोड़ है, जोड़ को हमें सफाई से बनाना है और इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, पूरे हम उल्टे उल्टे बीन लेंगे। लाल वाले जितने फंदे हैं हम उतने फंदे पूरे लाल रंग से बीनेंगे। ये हमारे 8 फंदे थे, हमने 8 बीन लिए। अब फिर से इसको पीछे करेंगे और इस काले वाले को आगे लाएंगे, क्रॉस में ही आगे लाना है और इसको हमें सफाई से बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें सफाई से बनाएंगे और ये दोनों टाइट करके ही फंदा रखना है, क्योंकि ये हमारा जोड़ है, इसलिए हमें दोनों तरफ के फंदे जोड़ में टाइट रखने हैं। ये देखिए, और ये फंदा हमने उतार लिया। ये हर बार उतारेंगे, एक बार हम बीन लेते हैं, एक बार उतार लेते हैं। तो ये एक फंदा हमने बीन लिया और ये फिर से ऐसे किया और इस धागे को टाइट करके बीन लिया। ये हमने इस तरह से हम पूरा बनाएंगे और ये हम पूरी लाइन उल्टी उल्टी फिर से बनाएंगे। यहाँ हमें जोड़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा बस, क्योंकि जोड़ जितना सफाई से बनेगा डोरमेट उतना ही सुंदर लगेगा, नहीं तो जाली ऐसा खिंचा खिंचा रहेगा। ये देखिए इस तरह करेंगे और इसको टाइट करके बीन लेंगे। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हमने और छोड़ दिए। अब यहाँ से हम फिर से वापस आ जाएंगे और ये पूरी लाइन, ये देखिए, 2 फंदे काले के काले बीन लिए और इस धागे को पीछे के इसको आगे और इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये हमने लाल वाले फंदे लाल रंग से बीन लिए, पूरे ऐसे किया धागा और इसको आगे खींच के क्रॉस में और इस तरह से बीन लेंगे टाइट से, और इस धागे को भी खींच के टाइट ही कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डोरमेट बहुत सफाई से बनता है और ये पूरी लाइन। फिर से हम उल्टी साइड में आ गए, ये फंदा उतारेंगे इस तरह से और धागा उकर के ले लेंगे और ये 2 फंदे, ये एक फंदा हमने बीन लिया काले से, इस धागे को ऐसे और लाल वाले को नीचे से उसके इस तरह से बनाएंगे और इसको टाइट खींचेंगे, टाइट रखेंगे जोड़ पे हर फंदे को, और ये पूरा लाइन हम फिर से बीनेंगे। ये देखिए हमने बीन लिए। ये देखिए, अब हमारे ये काले के फंदे सारे छूट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को इसके ऊपर रखेंगे और इसको क्रॉस ऐसे आगे खींच रख कर लेंगे। अब हमने काले के हमारे पूरे फंदे छूट गए और हम ये लाल वाला फंदा इस तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए, ये हम पूरी लाइन ऐसे ही यहाँ से वापस जाएंगे और ये देखिए हमने पूरे बीन लिए। अब फिर से इसको पीछे किया और इसको क्रॉस में आगे लाए और ये पूरी लाइन हमने बना ली। ये देखिए,
अब हमारे काले के पूरे फंदे हमने दो, हर सलाई में हमें दो दो फंदे छोड़ना है जिस तरह से, और इधर दो दो फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अब ये फिर से उतारा धागा और इस तरह से बीन लिया और इसको ऐसे करके इसी तरह से आप हर बार जोड़ को बनाएं तो जोड़ में बहुत सफाई से रहेगा। और इस फंदे को दोनों को टाइट ही रखें। और ये देखिए हमने पूरी, अब हमारे काले के पूरे फंदे छूट गए थे, अब हमारे लाल के दो फंदे छूटे। ये देखिए अब हमने 1 2 3 4 चार सेट हमने छोड़ दिए और ये पूरी लाइन हम सीधी हमारी जैसी है वैसे ही बनाना है। ये देखिए और इसको पीछे करेंगे और इस धागे को आगे इस तरह से उल्टा उल्टा बना देंगे। अब फिर से हम उल्टी साइड में आ गए और ये फंदा उतारा और आगे किया और ये, और इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे खींच के बनाएंगे। ये देखिए अब ये फंदा हम इस तरह से ऐसे करके पूरे फंदे, अब ये हमारे दो फंदे बचे। ये देखिए पूरे फंदे हमने दो दो करके हर सलाई में छोड़ दिए और ये हमारे दो फंदे लाल के बचे, इनको भी बीन दिए। अब ये देखिए धागे को आगे किया और इसको पीछे किया और ये जोड़ वाला फंदा हम टाइट रखेंगे, दोनों फंदे खींच के रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो रही है हमारी एक कली। अब हम फिर से उल्टी साइड में, अब हमने दो रेड कलर के पूरे फंदे छोड़ दिए थे, अब हमारा ये लाल वाला फंदा छूटना है। इसको ऐसे ही कर देंगे, इस धागे को ऐसे करके और इसको ऐसे कर देंगे। इस तरह से ये हमारा धागा फंस जाता है तो यहाँ जाली नहीं पड़ेगी और ये पूरा दो फंदे हम काले वाले उल्टे उल्टे बीन देंगे। और ये देखिए हमारी एक कली बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे तो ये फंदा उतारेंगे और ये धागा काले से ऐसे बीन लेंगे और इस फंदे को ऐसे करके और ये लाल वाले से पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और ये पूरे फंदे हम बीन लेंगे। अब हमने दो दो करके पूरे फंदे छोड़े थे, अब हम दो दो पूरे फंदे एक साथ बीन लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे करके और ये इस तरह से काले वाले पूरे काले बना के लेंगे। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमने बना लिया। ये देखिए हमारी अब एक कली बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा देख डोरमेट बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये इतना बना लिया है कि मेरा हाफ से थोड़ा ही कम है बन रहा है। अब ये इसी तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारा बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप डोरमेट नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी बनाने की। और ये देखिए इस तरह से, आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी ये देखिए इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। नमस्कार।